सबसे गहरा भाग मरियाना है। कितना गहरा है? 11 किलोमीटर। कितना गहरा है? 11। जबकि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848, यानी हिमालय पर्वत उठाइए नेपाल से, यहाँ ले आके पटक दीजिए, डूब जाएगा पतो नहीं चलेगा। एक सऊदी अरब का जहाज था, मुंबई आ रहा था, उसको अरब सागर में जाके एक कटक से टकरा गया। किसे टकरा गया? कटक। उसका पेदी एकदम फट गया, यहाँ पे समझ में, पूरा पेदी फट गया, उसका पूरा पानी भरने लगा। अब वो इमरजेंसी कॉल किया, SOS कॉल किया, वहाँ तुरंत कोस्ट गार्ड पहुंची, हेलीकॉप्टर से निकाला गया। कहा हमारा जहाज डूब जाए तो तरह तो छोड़ दे तो रही पे, खत्म कहानी। जहाज डूब गया तो लॉस थोड़ी लगेगा, कंपनी मालिक को तो अठन्नी ना उसको लगे, इंश्योरेंस होता है, क्या होता है इंश्योरेंस, पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी, आपकी गाड़ी चोरी होगी कौन देगा। सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई है 11,033 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, 11,033 मीटर अर्थात 11 किलोमीटर गहरी है। कितने गहरी है? अब ध्यान से समझना, सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा, कोई दिक्कत? ध्यान से समझना, प्रशांत महासागर तो गहरा है, और प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा भाग है, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा भाग वो क्या है? मरियाना की खाई। सबसे गहरा भाग मरियाना है। कितना गहरा है? 11 किलोमीटर। कितना गहरा है? 11। जबकि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 अर्थात 9 किलोमीटर, मैक्सिमम 9 किलोमीटर। तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई 9 किलोमीटर, अब प्रशांत महासागर 11, यानी हिमालय पर्वत उठाइए नेपाल से, यहाँ ले आके पटक दीजिए, डूब जाएगा पतो नहीं चलेगा, डूब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना गहरा है मरियाना की खाई, दुनिया की सबसे गहरी खाई, किस महासागर का भाग है? किस महासागर का? प्रशांत महासागर, मरियाना की खाई में। चार को नाम रख ले यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ट्रेन और उसका नाम होगा जो सबसे गहरी खाई है दुनिया की, मरियाना की खाई, और कपेदिया का नाम रख ले चैलेंजर गर्त, चैलेंजर डेप्थ, चैलेंजर गर्त। नहीं समझे? विद्यार्थियों के लिए कोई जमे सोचता ही नहीं है, नाम रख के चल गया यहां पर। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब ये है आपका समुद्री टीला, समुद्री पहाड़ी या टीला, समुद्री पहाड़ी या टीला। अब इसके आगे पढ़ते, यहां तक तो समझ में आ गया। मैदान में उबड़ खबड़ आकृति को क्या कहेंगे? द्रोणी, द्रोणी कहेंगे। द्रोणी में सबसे गहरी द्रोणी क्या कहलाएगी? सबसे गहरी द्रोणी खाइया गर्त कहलाएगा, खाइया गर्त कहलाएगा। अब इसमें ना बीच बीच में ना कोई पहाड़ नुमा संरचना निकली रहती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? बीच में पहाड़ नुमा संरचनाएं निकली रहती हैं, और इसी पहाड़ नुमा संरचना का अलग अलग नाम होता है। ये तो समुद्र हो गया बाबू, यहाँ पे बीच में तो पूरा पानी, ये समुद्र में पहाड़ भी पाए जाते हैं। समुद्र में क्या पाए जाएंगे? पहाड़। समुद्र के अंदर डूबे हुए पहाड़ को कटक कहते हैं। क्या कहेंगे? कटक। क्या कहेंगे? कटक। आइए समुद्री पहाड़ी, समुद्री पहाड़ी, आइए क्या हो गया? कटक। समुद्री पहाड़ी हो गया, बाहर निकल गया तो पहाड़ी, अंदर रह गया तो कटक, बाहर निकल गया तो पहाड़ी, अंदर रह गया तो कटक। कटक को अंग्रेजी में रिज कहेंगे। क्या कहेंगे? रिज। क्या कहेंगे? रिज। आइए क्या हो गया? पहाड़ी। अब आप बताओ बाबू, ध्यान से देखो, जहाज चलाने में सबसे बड़ी बाधा पहाड़ी है या कटक है? हाँ, कितना लोग कहता है कटक? नीचे करो, कितना लोग कहता है पहाड़ी? ना? पहाड़ी में झमेला नहीं है, समझ में आ गया? दिख जाता है पहाड़ी, क्या हो जाता है? दिख जाता है, जहाज मोड़ लेगा दाहिने बाएं, जिधर मोड़ना है क्या कर लेगा? मोड़ लेगा। अब कटक पेदिया रगड़ा जाएगा, अगर कटक की हाइट ज्यादा है तो वहां से क्या करेगा? पेदी रगड़ा जाएगा, पेदी क्या हो जाएगा? रगड़ा जाएगा। तो कटक ज्यादा रहेगा तो दिक्कत हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक सऊदी अरब का जहाज था, मुंबई आ रहा था, उसको अरब सागर में जाके एक कटक से टकरा गया। किसे टकरा गया? कटक। उसका पेदी एकदम फट गया, यहाँ पे
समझ में क्या, पूरा पेंदी फट गया, उसका पूरा पानी भरने लगा। अब वो इमरजेंसी कॉल किया, SOS कॉल किया, वहां तुरंत कोस्ट गार्ड पहुंची, हेलीकॉप्टर से निकाला गया। कहा हमारा जहाज डूब जाए तो करा तो छोड़ दे तो रही पे, जहाज डूब गया खत्म कहानी। जहाज डूब गया तो लॉस थोड़ी लगेगा, कंपनी मालिक को तो अठन्नी ना उसको लगे, इंश्योरेंस होता है, क्या होता है इंश्योरेंस, पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी। आपकी गाड़ी चोरी होगी कौन देगा, इंश्योरेंस देगा, समझ में गया। इसीलिए इंश्योरेंस जरूरी होता है ना, गाड़ी लड़ गई पैसा बनाने का कौन देगा, इंश्योरेंस। पुलिस भी जानबूझ के कहती इंश्योरेंस कराओ, नहीं तो लड़ जाएगी ना, तो तुमको लगेगा भैया हम ही को बनवाना पड़ेगा, तो जो लड़ाया है सामने वाले उसी को पकड़ के तुम पीटोगे, बनाओ बनवा एक बनवा, कहेगा ना इंश्योरेंस से बनवा लेना, इससे बनवा लेना इंश्योरेंस। सबसे बड़ी कटक जो है अटलांटिक महासागर में, टाइटेनिक तो बर्फ से टकराया था, टाइटेनिक कटक से नहीं टकराया था, टाइटेनिक किसे टकराया गया था, बर्फ से, बर्फ का चट्टान था उसी में ले जाकर धाए से ठोक दिया है, जा बर्फ से टकरा गया। और टाइटेनिक की बनावट में भी गड़बड़ी थी, बीच से टूट कैसे गया, समझ रहा है कि नहीं आ रहा था, बनावट में भी क्या थी गड़बड़ी, यहाँ पे इस सब में था गड़बड़ सड़बड़। आगे बढ़े, उस समय की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि दूर से ही पता चल जाता है। और रूस जो देश है, रूस वहां पे तो पूरे बर्फे जमा रहता है, पूरे बर्फ, जैसे सड़क है अपने यहाँ कैसे, पूरा समुद्र है सफेद रंग का होता है, तो उसके आगे एक तो पानी वाली जहाज चलाते हैं, ऐसा आइस ब्रेकर नाम है, क्या नाम है, आइस ब्रेकर। वो आइस ब्रेकर जो जहाज होता है वो क्या करता है, बर्फ के ऊपर चढ़ के तूर देता है उसको, बर्फ के ऊपर चढ़ के क्या करेगा, तूर देगा।